गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माई सेल्फ जनसारी किशोर फ्रॉम नौकार इंस्टीट्यूट। टुडे आई विल टीच इन स्टैंडर्ड 10 एंड लास्ट लेक्चर आई हैव स्टार्टेड द सप्लीमेंट्री बुक। द नेम ऑफ द बुक इज फुटप्रिंट विदाउट फिट। इन दैट आई हैव स्टार्टेड द लेसन नंबर 1। द नेम ऑफ द लेसन इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ओके, तो ट्रम्प का मीनिंग होता है रिकवर। ओके, और सर्जरी का मीनिंग होता है हॉस्पिटल। ओके, तो यहाँ पर ये डॉक्टर ने एक ट्रिकी नाम का जो डॉग था उसके बारे में बात की है। तो हमने लास्ट में लिप्स ट्रेम्बल तक क्लियर किया था। अभी एक लास्ट लाइन है वो कंप्लीट करने के बाद मैं आपको पूरी स्टोरी रिपीट करूँगा और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर थोड़े में सोल्व करूँगा। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स गो अहेड। ओ मिस्टर हैरियट, सी क्राइड। तो उन्होंने मुंह बाहर निकाला और उसने कहा कि उनकी आंख में आंसू थे, उनके लिप्स कैसे थे, ट्रेम्बल कर रहे थे। वो मिसेस पॉम्पटन ने कहा, ओ मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू। वो बोल रहे थे मिस्टर हैरियट को कि मैं आपका शुक्रिया अदा किस तरह से करूँ। दिस इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ओके, ये जो है वो तो ट्रम्प ऑफ सर्जरी, जैसे आपने सर्जरी करके उसको बिल्कुल रिकवर कर दिया। ओके, यानी ठीक कर दिया। जो डॉग पहले हालत में था उससे वो एकदम कैसा हो गया था, चेंज हो गया था। तो ये डॉक्टर ने उनका ट्रीटमेंट किया उसके बाद ये हालत की थी। अभी आपको पता चला कि लेसन में ये जो डॉक्टर है उसने ट्रीटमेंट किया की थी। ओके, तो उन्होंने ट्रीटमेंट कोई मेडिकल दवाई ना दी थी ना तो कुछ किया था, लेकिन उसको पता था कि ये जो डॉग है उसका मेन प्रॉब्लम है ओवर ईटिंग। वो ज़्यादा क्या करता था, खाना खाता था, तो वो खाना ही उन्होंने क्या किया, स्टॉप किया और उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कराई और जिसकी वजह से डॉग एकदम कैसा हो गया, ठीक हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस लेसन क्लियरली। And still, if you have any problem, you can listen all the video 2 to 3 times so that you can understand. Okay, friends. So now I will start the exercise. Okay. So chapter number 1, a trump of surgery. Okay, friends. So we'll start the question answer from the pamphlet. The first question is, why is Mrs. Pomfrey worried about Tricky? तो first question है, Mrs. Pomfrey वो Tricky के लिए क्यों worried थी, क्यों चिंतित थी? तो answer है, Mrs. Pomfrey was worried and distressed because वो worried थी और बहुत ज़्यादा चिंतित थी। उसका reason ये था, Tricky would not eat anything। Tricky कुछ भी खाना खाता नहीं था। It ever reuse its favorite dishes, refuse. ओके, इट एवर रिफ्यूज इट्स फेवरेट डिशेज। वो अपनी जो फेवरेट डिशेज थी, जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी, उसको भी अभी क्या कर रहा था, रिफ्यूज़ कर रहा था, यानी मना कर रहा था। इट हैड बॉट ऑफ वॉमिटिंग, उसने बहुत सारी वॉमिटिंग की थी। इट स्पेंड ऑल इट्स टाइम लाइंग ऑन द रग एंड पैंटिंग, वो पूरा दिन अपने रग यानी उसकी जो जगह थी उसमें कुछ जगह पे कुछ रखा होगा, जैसे वन टाइप वो गुजरा जैसा, तो वो उस पर पड़ा रहता था और वो क्या करता था, कुछ भी मूवमेंट करता नहीं था। इट डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक और डू एनीथिंग, वो वॉक करने के लिए भी रेडी नहीं होता था और कुछ भी एक्टिविटी करता नहीं था, वो पूरा दिन पड़ा रहता था। नाउ सी द सेकंड, व्हाट डज सी डू टू हेल्प हिम, इज सी वाइज इन दिस, व्हाट डज सी डू टू हेल्प हिम, उसको हेल्प करने के लिए उसने क्या किया, इस सी वाइज इन दिस, क्या उसमें वो सफल हुई यानी सक्सेस हुई। सी कॉल द डॉक्टर टू हेल्प ट्रिकी, उसने क्या किया, डॉक्टर को बुलाया ट्रिकी के लिए। यस, हर डिसीजन वॉज वाइज, था उसने जो डिसीजन लिया था वो वाइज था, क्योंकि डॉक्टर ही जानता है कि भाई किस तरह से डॉग को ट्रीट करना है। द डॉक्टर सजेस्ट दैट ट्रिकी शुड बी हॉस्पिटलाइज, डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि भाई आपको ये डॉग को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। सी सून एंड वेल, वो डॉग जैसे उसने सुना तो एकदम जैसे शॉक हो गई ओके और दुखी हो गई। बट लेट द डॉग गो विद द डॉक्टर, लेकिन फिर भी उसने परमिशन दी कि आप ये डॉग को क्या करो, ले जाओ। अ
Ultimately, the doctor was successful in curing Tricky. ओके, और लास्ट में ये डॉक्टर क्या हो गया, सक्सेस हुआ क्योरिंग, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रहता मिसेस पॉम्फे के साथ तो वो जिस तरह से उसको इंस्ट्रक्शन देता था उसको एक्सरसाइज कराने के बारे में, उसको खाने की बाबत में, लेकिन मिसेस पॉम्फ्रे उसको कुछ भी उसमें कंट्रोल कर सकती नहीं थी। तो डॉक्टर ने उसको वहाँ पर ले जाने का सोचा कि जिसकी वजह से वो वहाँ पर उसके खाने पीने में और उसकी एक्सरसाइज में क्या कर सकता था, प्रॉपरली ध्यान दे सकता था। ओके, नाउ सी द थर्ड वन, वू डज आई रिफर टू इन दिस स्टोरी। तो आई यानी कौन, तो आई यानी राइटर जिसका नाम है मिस्टर हैरियट। ओके, तो इन दिस स्टोरी आई रिफर्स टू द वेटरनरी सर्जन मिस्टर हैरियट। ओके, तो यहाँ आई का मीनिंग है वेटरनरी सर्जन मिस्टर हैरियट। ओके फ्रेंड्स, इज द नैरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। क्या ये जो नैरेटर थे वो ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस एंड मिसेस पॉम्फ्रे की तरफ वो क्या ज़्यादा अमीर थे? तो दो नॉट क्लियरली स्टेटेड, यहाँ पर वो चीज़ क्लियरली बताई नहीं है। देर आर इंस्टेंस इन द स्टोरी विच सजेस्ट दैट द नैरेटर इज नॉट एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। लेकिन यहाँ पर ये ऐसी बात की है, कैसी बात की है, जैसे कि मिसेस पॉम्फ्रे वो ट्रिकी के लिए जो एग्स भेजते थे वो क्या करते थे, खुद खाते थे। वो उसके लिए वाइन भेजा तो वो भी उन्होंने क्या किया, खुद ली। यानी इन शॉर्ट वो डिस्प्ले नहीं किया है, लेकिन वो चीज़ खाने की वजह से पता चला है कि भाई यहाँ पर ये मिसेस पॉम्फ्रे है वो डॉक्टर से ज़्यादा अमीर है, और वो डॉक्टर है वो मिसेस पॉम्फ्रे से ज़्यादा अमीर है नहीं, मिसेस पॉम्फ्रे। व्हाइल ही द नैरेटर इज एबल टू प्रोवाइड ट्रिकी विथ अ वॉर्म लूज बॉक्स एज अ बेड, उसको बेड की तरह एक बॉक्स दिया मिसेस पॉम्फ्रेस हाउस। ट्रिकी हैड अ डे बेड, नाइट बेड और कुशन, टॉय, रबर रिंग, ब्रेकफास्ट बाउल, अ लंच बाउल, सपर बाउल। ठीक है, मिसेस पॉम्फ्रे ने उसके लिए सब चीज़ अलग अलग रखी थी, ब्रेकफास्ट का बाउल अलग था, लंच का बाउल अलग था, सपर का बाउल था, अ होल वार्डरोब ऑफ ट्वीड कॉट एंड परहैप्स मेन मोर थिंग। When it arrived to the dog with him, Mr. Pomfrey has her entire the staff at her disposal to transfer to all the trickies belonging to the doctor's car. जब वो यहाँ पर आता तो हर एक चीज़ उसको क्या की थी, दी थी, जिसकी वजह से पता चलता है कि मिसेज पॉम्फ्रे है वो डॉक्टर से ज़्यादा अमीर है। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस लेसन वेरी क्लियरली एंड आई गिव यू होमवर्क सो यू हैव टू डू दैट थिंग फ्रॉम द PDF. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग केयरफुली.